स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, इंडियाज नंबर वन चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के तरफ से मैं हाजिर हूँ आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा स्पेशल प्रोग्राम फ्लैशबैक, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे बॉलीवुड के फ्लैशबैक लाइफ के बारे में। हम बढ़ेंगे फ्लैशबैक दुनिया की तरफ, यानी कि बॉलीवुड के पिछले सफर के बारे में जानेंगे हम बॉलीवुड के पुराने कलाकारों से लेकर नए कलाकारों की फ्लैशबैक लाइफ के बारे में। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को लेकर भी खूब चर्चा में रहा करती थी, बॉलीवुड की खूबसूरत दुनिया जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, बदलती भी जा रही है। आखिर कैसा रहता है रिश्ता बॉलीवुड में तमाम सितारों का, पहले क्या होता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, आज कितना बदल चुका है बॉलीवुड इंडस्ट्री। फ्लैशबैक सफर में हम जानेंगे बॉलीवुड में आपके मन पसंदीदे कलाकारों के बारे में, उनकी फ्लैशबैक लाइफ के बारे में। तो आज बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं कुछ जाने माने चेहरों की फ्लैशबैक लाइफ के बारे में। देखिए खास रिपोर्ट्स। जैसा कि आप भी जानते हैं, अभी हाल ही में कृष्णा राज कपूर ने अपनी अंतिम सांसें ली। कार्डी अरेस्ट की वजह से कृष्णा राज कपूर नहीं रही, जिसके बाद उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फैंस ने शेयर की है ऐसी तस्वीर जिसमें राज कपूर अपने हस्बैंड के साथ कृष्णा राज खुशी के लम्हे गुजारती नजर आई थी। वो लम्हा जब दोनों का प्यार सबको काफ़ी पसंद आया करता था। कुछ ऐसे राज करते थे राज कपूर और कृष्णा राज कपूर परिवार के बीच। देखिए ज़रा तस्वीर, पति पत्नी कितने खुश नजर आए एक दूसरे के साथ। खैर, ये दोनों आज आसमां के सितारे बन चुके हैं। इस दुनिया को छोड़ दोनों ही किसी और दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन राज कपूर और कृष्णा राज की मोहब्बत हमेशा बॉलीवुड में याद की जाएगी, जिन्होंने बॉलीवुड के पर्दे पर ना सिर्फ काम किया बल्कि तमाम सितारों के लिए एक नई पहचान बनाने की ऐसी पीढ़ी लाई जिससे कपूर परिवार के तमाम सितारे आज बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रह चुकी कृष्णा राज कपूर के जाने के बाद कपूर परिवार में टूटे गम के माहौल की। जिस तरह से सासू माँ के अंतिम संस्कार के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी रोती नज़र आई बबीता कपूर, उनके चेहरे पर उनकी आंखों का वो इस तरह से झुकना एक बात की तरफ करता है इशारा कि खूब रोने के बाद बबीता कपूर अपनी सासू माँ को वाकई अब भी याद कर रही हैं। जी हाँ, अंतिम संस्कार के बाद कृष्णा राज कपूर को कॉन्डोलेंस पे करने के लिए तमाम बॉलीवुड सितारे नजर आए कपूर रेजिडेंस में, जहां पर खुद करिश्मा कपूर भी नजर आए। करिश्मा से लेकर रीमा जैन के बेटे आदर जैन भी नजर आए, तो बबीता कपूर भी कुछ इस रूप में दिखी जो उन्हें देख ऐसा लग रहा है वो अब भी इसी सदमे में है कि वो उनकी सासू मां ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। अगर आपको याद हो तो बता दें आपको, ये कोई और तस्वीर नहीं बल्कि वही तस्वीर है जिसमें नजर आई है बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा रह चुकी कृष्णा राज कपूर, जिन्होंने बीते दिनों 4 बजे के करीब इस दुनिया को छोड़ा। कार्डिक अरेस्ट की वजह से कृष्णा राज कपूर ने अपनी अंतिम सांसें बीते सोमवार की सुबह ली। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में ये भी बता दें कि करिश्मा कपूर जो उनकी लाडली पोती हैं, उन्होंने दादी माँ के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो अपने नन्हे से नेफ्यू तैमूर अली खान पटौदी संग अपने बच्चों को यानी कि कियान कपूर और समायरा कपूर को प्यार लुटाते हुए दिखा रही हैं। जिस तरह अपनी दादी पर प्यार लुटाती हैं करिश्मा, बिल्कुल उसी तरह उनके बच्चे भी प्यार लुटाते नजर आए थे अपनी परदादी यानी कि कृष्णा राज कपूर पर। जिस तरह नैना तैमूर गोद में नजर आए हैं कृष्णा राज कपूर के, उनकी हंसी बता रही है कि उनकी परदादी अम्मा यानी कि कृष्णा उनसे कितना लाड करती थी। ऐसे में वो लाड तो याद आएगा इन बच्चों को जो याद कर रही हैं करिश्मा कपूर, जो अपनी दादी माँ के जाने के गम से शायद अब भी उभर नहीं पाई है। बता दें आपको, इस याद में ही उन्होंने बेहद ही खूबसूरत पोस्ट शेयर की और अपनी दादी माँ को रिस्पेक्ट दिया है। जी हाँ, टीना अंबानी की हम बात कर रहे हैं जो मुकेश अंबानी की घर की छोटी बहू यानी कि नीता अंबानी की देवरानी है।
बता दें आपको, नीता अंबानी के देवर अनिल अंबानी की पत्नी है टीना, जो कि पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री से अच्छा गहरा रिश्ता रखती थी, जिन्होंने बॉलीवुड के पर्दे पर काम किया। हालांकि अंबानी परिवार की बहू बनने के बाद टीना बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो गई। खैर, इस मौके पर हम बात कर रहे हैं कृष्णा राज कपूर के प्रेयर मीट कर, जहां पर नीता अंबानी की देवरानी टीना अपने बेटे का हाथ पकड़कर सामने आई। देखा गया यहां पर टीना और उनके बेटे का बड़प्पन, जो वहां तमाम सेलिब्रिटीज के बीच कृष्णा को श्रद्धांजलि देते हुए बड़प्पन दिखाते नजर आए। जिस तरह दोनों सम्मान के तौर पर नजर आए, सम्मानीय पूर्वक अंदर जाते और बड़े ही सलीके से पेश आते हुए, हमको मिटा सके इतना जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, इस जमाने से हम नहीं। ऐसा कहते हुए राजकुमार ने जिस तरह से अपने डायलॉग को फेमस किया, डायलॉग डिलीवरी किंग बन गए राजकुमार, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान कड़क आवाज से बनाई। दमदार आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाले राजकुमार अपने हाल ही में 92 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर काफी ज्यादा मोहब्बत बटोरी। ये बात अलग है कि राजकुमार आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्मी पहचान, उनकी फिल्मी सफर, उनकी जिंदगी से जुड़ी दिलचस्पी से हमेशा मशहूर रहेंगे। रुला देगी आपको भी किंग ऑफ डायलॉग डिलीवरी राजकुमार की इस डायलॉग के बाद की तस्वीरें। अगर आपने गौर की हो तो राजकुमार के ये सब डायलॉग के अलावा जो खास तस्वीरें हैं उनके फिल्मी सफर के दौरान की है, जिसे यादगार लम्हा के जरिए शेयर किया जा रहा है इंस्टाग्राम पर उनके फैन पेज द्वारा, जिन्होंने हमेशा बॉलीवुड की पहचान को अपने काबिलियत से बनाए। राजकुमार जो कि कुलभूषण पंडित के नाम से बॉलीवुड में एंट्री करते नजर आए, लेकिन बाद में राजकुमार नाम से उन्हें पहचान ली। सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस के अंदर रह चुके हैं राजकुमार, जो कि बॉलीवुड की हमेशा पहचान तो रहेगी। साल 1940 में वो मुंबई पुलिस के अंदर काम करने के बाद एक्टिंग में उन्होंने साल 1952 में एंट्री। 1952 में रंगीली मूवी के जरिए राजकुमार ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा, तब से वो काफी ज्यादा मशहूर। बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर वन एंड ओनली देवानंद ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन देवानंद का नाम हमेशा ही बॉलीवुड के इतिहास से लेकर आने वाले भविष्य में भी लिया जाएगा। जब भी बात होगी खूबसूरत और बेहद ही जबरदस्त अंदाज से अपने एक्टिंग से लोगों के बीच चर्चा बटोरने वाली हसीनाओं की, तो उन हसीनाओं में नाम देवानंद की एक्ट्रेसेस का तो लिया जाएगा, लेकिन साथ में बेहद ही हैंडसम एक्टर के तौर पर जब भी नाम लिया जाएगा किसी मेल एक्टर का, तो देवानंद का नाम सबकी जुबा पर आएगा। ये सभी जानते हैं देवानंद, जो कि काले कपड़े तक नहीं पहन पाते थे अपने पसंद से, जिन्हें देखकर पागल हुआ करती थी उनकी चाहने वाली तमाम फैंस। ऐसे में देवानंद की ये झलक आपको जरूर चौंका सकती है, जो अपने बेटे के साथ हैंडसम अवतार में नजर आए थे। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है तस्वीर, जो कि देवानंद के 95th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान शेयर की गई थी इंस्टाग्राम पर। बता दें आपको, देवानंद अपनी फैमिली के साथ भले ही अपने लाइफ आगे बढ़ा लिए हों, लेकिन वो अपनी पुरानी प्रेमिका सुरैया को कभी भूल नहीं पाए थे। पल किस तरह से जिंदगी गुजर जाती है, देखते ही देखते उम्र गुजर जाती है, वाकई में मुश्किल लगता है इस बारे में बात करना। लेकिन इस रिपोर्ट में देखिए जरा वो तस्वीर, जिसमें अपनी उम्र को एंजॉय करने वाली, मोहब्बत को एंजॉय करने वाले बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पाजी अपनी पत्नी यानी कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ नजर आए हैं। दोनों की ये तस्वीर एक बात को बार बार इशारा करते हुए बता रही है कि वाकई में दोनों की पसंद तो एक ही थी। जानवरों के साथ उनका ये लगाव इशारा है कि बात की तरफ कि आज जो धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में वक्त गुजारते हैं, उनका वो जो प्यार था हेमा मालिनी के लिए किसी समय इसी वजह से था।
क्योंकि हेमा मालिनी को भी जानवरों से काफी लगाव शुरू से ही रहा है। देखिए तस्वीर, बुढ़ापा आने से पहले ऐसे ही थी हेमा और धर्मेंद्र की जिंदगी, जो एक दूसरे के साथ जानवरों पर प्यार लुटाते हुए एक दूसरे के काम में दिलचस्पी दिखाते थे। ये तस्वीर वाकई में उन फैंस को रुला सकती है जो कि धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत का वो समय देख चुके हैं, वो गुजरा समय जब दोनों की अफेयर, दोनों की शादी और दोनों की मोहब्बत से लेकर दोनों की खूबसूरत जिंदगी उनकी आंखों के सामने हुआ करती थी। वेल, तो रिसेंट खबर की बात हो जाए, फ्लैशबैक खबरों की बात हो जाए, फ्लैशबैक बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मी सफर की बात हो, या फिर बात क्यों ना हो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पास्ट लव लाइफ की, बात हर खबर हमने आपको दी बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लेजेंड एक्टर्स से लेकर पॉपुलर सेलेब से लेकर फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में, आप सभी की फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ साथ आप सभी के फिल्मी दुनिया के चहेते सितारों के बारे में। तो अब दे दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन हाँ, जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ और इसी तरह देते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को प्यार, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बॉलीवुड की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे हम, जिसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं आप किनके बारे में जानना चाहते हैं। हमारी उम्मीद रहेगी हम आपको अगली बार बता सकेंगे बॉलीवुड के तमाम सितारों के बारे में। इसी तरह से कुछ अनसुनी और अनजानी कहानी, कुछ ऐसी सच्चाई जिससे लोग अब भी पूरी तरह से रूबरू नहीं हो पाए हैं। नमस्कार।